हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की रीजनिंग की सबसे छोटे से क्वेश्चन के साथ, जो कि फिगर्स का क्वेश्चन होगा, यानी कि आपको बताना है आकृतियां गिनना। जैसे इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ट्राइंगल से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे मैं आपको बताऊंगा, और उसकी ट्रिक्स कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, उसने पूछा है आपसे कि ये एक ट्राइंगल है, तो आपको बताना है इसके अंदर कितने ट्राइंगल बने हुए हैं। एक बार आपको वीडियो को पॉज कर लो और आपको बताना है कि इस आकृति के अंदर कितने ट्रायंगल मौजूद हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं आप, आपको ये नहीं करना है कि हर एक ट्रायंगल को आप क्या कर रहे हो, काउंट करने के लिए बैठ जाते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, तो चेक करना है आपको कि ऊपर के इसके शीर्ष से लेकर इसके जो बेस वाली लाइन है, जो आपका आधार है, उस पर कितनी लाइनें टच हो रही है। तो देखो, एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो आप क्या करोगे, इसको काउंट करोगे 1 2 3 4, और इसको अपोजिट साइड से क्या कर दोगे, गिनना चालू कर दोगे। तो 4 और 3 होते हैं आपके 7, 7 और 2 होते हैं आपके 9, और 9 और 1 हो जाएगा आपका 10। तो इसमें जो है 10 ट्राइंगल आपके हो जाएंगे। तो क्या आप ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं बता सकते कितने ट्राइंगल होंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल बता देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब तो आप बता दोगे बड़े आसान तरीके से, आप कहोगे सर बिल्कुल बता देंगे, कोई हमें इश्यू नहीं आएगा। देखो ध्यान से, 6 और 5 होते हैं 11, 11 4 होते हैं आपके 15, 15 3 18, 18 3 होते हैं आपके 21। तो 21 ट्राइंगल आपके हो जाएंगे इस आकृति के अंदर। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको बताना है, पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले खुद से ट्राई करना है अपने मन से, उसके बाद आपको वीडियो देखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, देखो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप चेक कर लो कि बेस से जो है कितनी लाइनें टच कर रही है, 1 2 3 4, यानी कि 4 और 3 7, 7 और 2 9, और 9 और 1 10। तो 10 ट्राइंगल तो आपके बन जाएंगे इधर। ठीक है, अच्छा अभी देखो, एक बेस आपका ये दिखाई दे रहा है, तो 1 और 2, तो 3 ट्राइंगल आपके बन जाएंगे यहां से, और एक बेस है आपका ये वाला 1 और 2, यानी कि 3 आपके ट्राइंगल बन जाएंगे इधर से। तो 10 और 3 13 और 3 16, तो टोटल इस आकृति में कितने ट्राइंगल हैं आपके, केवल और केवल 16 ट्राइंगल इस आकृति में हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी आपको बताना है कि वर्ग कितने हैं इसके अंदर। ठीक है, वर्ग कैसे बताओगे, ये फिगर आपके सामने है, इसके अंदर बताने हैं आपको वर्ग कितने हैं। इसको काउंट करो आप। ठीक है, कैसे करना है फिर मैं आपको बताता हूं, एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका मेथड क्या है। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है आपको, केवल काउंट कर लेना है कि 1 2 3, एक बार हॉरिजॉन्टली कर लो, एक बार क्षैतिज टाइप कर लो 1 2 3, और एक बार वर्टिकली टाइप कर लो 1 2 3। तो क्या करोगे आप, 3 3 जा कर लोगे, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 कर लोगे, और प्लस 1 कर लोगे। ठीक है, तो इतने आ जाएंगे आपके वर्ग। कितने आ जाएंगे जी, वर्ग आ जाएंगे आपके। देखो ध्यान से, 3 क्या होते हैं 9, 2 दुनी होते हैं आपके 4, और 1 हो जाएगा कितना, 9 और 5 हो जाएंगे आपके 14। तो इसके अंदर टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे आपके, 14 वर्ग हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आपको बताना है ट्राइंगल कितने हैं। ठीक है, देखो ध्यान से,
इस आकृति के अंदर बताओ कितने ट्राइंगल होंगे, ठीक है, काउंट करके देखो एक बार, पहले खुद से ट्राई करना है, और जब समझ नहीं आता तब आप जो है वीडियो को देख सकते हो अपना आंसर को चेक करने के लिए, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो आप इसके अंदर कितने ट्राइंगल होंगे। देखो एक पूरी की पूरी आपकी बनी हुई है, ये जो लाइन है ये टच कर रही है इसको यहाँ पे, यानी कि एक ट्राइंगल बना हुआ है आपका इस तरीके से बीच में ये वाला, तो वन और टू, तो थ्री ट्राइंगल तो आपके हो गए ये वाले, ठीक है। उसके बाद एक ट्राइंगल यहाँ पे भी बना हुआ है, तो तीन ट्राइंगल तो आपके नीचे हो गए और तीन ट्राइंगल आपके हो जाएंगे इधर, और तीन ट्राइंगल ये भी तो हो जाएंगे इस वाले अंदर, ये जो अपोजिट साइड में इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो तीन ट्राइंगल ऊपर वाले में, तीन ट्राइंगल इस वाले में, और तीन ट्राइंगल हो जाएंगे आपके ये जो बड़े वाला जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो तीन ट्राइंगल हो जाएंगे आपके इसके अंदर, तो नौ तो ये हो गया आपके, अच्छा एक ट्राइंगल हो जाएगा आपका ये वाला नौ, दस और एक हो जाएगा आपका ये वाला ग्यारह, अच्छा और एक ट्राइंगल ये भी तो हो जाएगा ये वाला बारह, और एक हो जाएगा आपका तेरह, ठीक है। तो कितने ट्राइंगल हो जाएंगे आपके, टोटल तेरह ट्राइंगल हो जाएंगे इस फिगर के अंदर, ठीक है। तो चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने, इस फिगर में बताओ कितने ट्रायंगल आपके बने हुए हैं, ये आपकी कटी पतंग बन गई है, इसके अंदर चेक करो कितने आपके ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, देखो ध्यान से भाई, चार ट्रायंगल तो आपको दिख रहे होंगे, वन टू थ्री और फोर, चार ट्राइंगल तो आपके हो गए ये, ठीक है। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर आपको कहीं पर ऐसा दिखाई दे एक स्क्वायर बना हुआ हो और उसके अंदर इस तरीके से हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, अगर इस तरीके से वो कटा हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है, इसके अंदर अगर आपसे पूछे वो कि कितने ट्राइंगल होंगे, तो काउंट कर लो वन टू थ्री फोर, जितने भी इसके अंदर होंगे ना तो उसके डबल कर दोगे, तो यानी कि आठ, तो इसके अंदर क्या होंगे, आठ ट्राइंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसके अंदर करना है वन टू थ्री फोर, तो फोर का डबल हो जाएगा आठ, और चार ट्राइंगल आपके दिखाई दे रहे हैं आपको बाहर, ठीक है। तो कितने ट्राइंगल हो गए आपके, आठ और चार बारह ट्राइंगल हो जाएंगे आपके टोटल, ठीक है। बताओ आया आपकी समझ में, नहीं आया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखो ध्यान से। इसके अंदर बताने हैं आपको कितने ट्राइंगल होंगे, ठीक है, कैसे बताओगे, देखो ध्यान से, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि काउंट कर लो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, तो आप कहोगे सर आठ इसके अंदर हो गए और आठ हो गए इसके अंदर, तो कितने हुए टोटल ट्रायंगल, हो गए आपके सोलह, बट मैं कहूंगा टोटल ट्रायंगल हुए एटीन, कितने हुए जी टोटल ट्रायंगल हुए आपके एटीन। आप कहोगे सर कैसे हुए हैं, मैं कहूंगा आपने सही कहा है कि आठ ट्रायंगल हुए हैं ये वाले और आठ ट्रायंगल हुए हैं ये वाले, बट ये अलग अलग हुए हैं, लेकिन ये तो आपके एक जगह दोनों के दोनों बॉक्स एक जगह ऐड है, तो यानी कि एक बॉक्स ये वाला और एक बॉक्स है आपका ये वाला, तो मैं कहूंगा एक ट्रायंगल भैया ये वाला भी तो हुआ और एक ट्रायंगल ये वाला भी तो हुआ, तो दो ट्रायंगल आपके इन दोनों बॉक्स के जब एक जगह ये जॉइंट हुए तो दो नए ट्रायंगल का निर्माण हो गया, तो ऐसे आपके 18 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
इसके अंदर बताने हैं आपको कितने ट्रायंगल होंगे। करो काउंट कितने होंगे, बड़े ध्यान से करना क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, कैसे काउंट करोगे देखो ध्यान से। आप कहोगे सर 1 2 3 4, 8 ट्रायंगल तो इसके अंदर हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे इसके अंदर, 8 हो जाएंगे आपके इसके अंदर, 8 हो जाएंगे आपके इसके अंदर। ठीक है, इतनी बात तो सभी को पता है आपको, यानी कि 32 ट्रायंगल तो आपको दिख रहे हैं इसके अंदर कि भाई 32 ट्रायंगल तो है। ठीक है, अच्छा आप कहोगे सर 2 ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल बन जाएगा ये वाला और 1 ट्रायंगल बन जाएगा ये वाला, तो 2 नए ट्रायंगल तो आपको इन दोनों के मिलने से बन गए। ठीक है, तो यानी कि 2 ट्रायंगल इसके मिलने से बन गए और 2 ट्रायंगल बन जाएंगे इनके मिलने से, तो कितने हुए 2 ये एक्स्ट्रा 2 ये एक्स्ट्रा, तो 32 और 4 कितने हो गए आपके 36 ट्रायंगल, और 2 ये हो जाएंगे 1 ट्रायंगल ये वाला और 1 ट्रायंगल ये वाला हो जाएगा। इतनी बात बताओ आपकी समझ आई है कि नहीं आई है। आप कहोगे सर बिल्कुल, 32 और 6 कितने हो गए 38 हो गए आपके। अभी आप ध्यान से देखो, 1 ट्रायंगल क्या आपको ये नजर आ रहा है ये वाला, इस वाला, इस वाला और इस वाले के मिलने से भी तो 1 ट्रायंगल का आपका नया निर्माण हो गया, यानी कि 3 बॉक्सेस के 1 जगह मिलने से भी आपका 1 नया ट्रायंगल बन गया। तो टोटल आप काउंट कर लो आप कितने हो गए, 38 और 1 हो गए आपके 39। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा था, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। ये लो जी, इसमें बताओ आपके कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, बताओ काउंट कर लो इसको कितने ट्रायंगल होंगे आपके इसके अंदर। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, 1 2 3 4 और 5 कितने ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं। आप कहोगे सर मेरे को तो केवल और केवल 5 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। अभी चेक कर लो क्या आपस में किसी दो ट्रायंगल के मिलने से कोई तीसरा नया ट्रायंगल बन रहा है क्या। आप कहोगे सर दिखाई तो दे नहीं रहा, ध्यान से चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो मैं कहूंगा सर इसमें केवल और केवल 5 ही ट्रायंगल है, कोई नया ट्रायंगल नहीं बन रहा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसके अंदर बताने हैं आपको स्क्वायर कितने हैं, यानी कि वर्ग कितने हैं। कैसे बताओगे देखो ध्यान से, आप कहोगे सर 1 2 3 4, तो 4 आप स्क्वायर तो मेरे को ये दिखाई दे रहे हैं और 1 स्क्वायर हो जाएगा ये बड़े वाला, कितने वाला जी 1 स्क्वायर हो जाएगा आपका बड़े वाला, यानी कि 5 तो मेरे को इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, 1 हो जाएगा आपका ये वाला 6, 1 हो जाएगा आपका ये वाला पूरा बड़ा 7, 1 हो जाएगा आपका ये वाला 8 और 1 हो जाएगा आपका ये पूरा बड़ा, यानी कि टोटल इसके अंदर 9 वर्ग हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे जी 9 वर्ग हो जाएंगे आपके। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अभी काउंट करके बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप तो आराम से बता सकते हो। देखो ध्यान से, मान के चलो ये वाली लाइन इसके अंदर ना होती तो मैं कहता 1 2, तो 2 और 1 3 ट्रायंगल आपके आपको नजर आ जाते। ठीक है, क्योंकि ये वाले हमने काफी अच्छे से करे हैं, ये वाले क्वेश्चन 1 और 2, तो 2 और 1 होते हैं 3, तो इस तरीके से 3 ट्रायंगल तो आपके इस वाले में दिखाई दे देते जो आपका बड़ा ट्रायंगल है। ठीक है, अच्छा तो 1 और 2 3 ट्रायंगल आपको इसमें दिखाई दे देते और 3 ट्रायंगल आपको इसमें दिखाई दे देते, तो कितने ट्रायंगल हो गए आपके, 3 और 3 6 और 3 9 ट्रायंगल हो गए आपके। ठीक है, अभी ये चेक कर लो क्या इनके आपस में कंबाइन होने से क्या कोई नया ट्रायंगल बन रहा है। आप कहोगे सर जब ये ट्रायंगल हमने ऐड कर दिया तो एक ट्रायंगल ये वाला नजर आ रहा है मुझे और एक ट्रायंगल ये वाला नजर आ रहा है, तो इन दो नए ट्रायंगल का आपका निर्माण हो गया, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, तो कितने नए ट्रायंगल बन गए, 2 नए ट्रायंगल बनने से आपके टोटल 11 ट्रायंगल बन गए। इतनी बात बताओ आपको समझ आई है कि नहीं आई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को आप। ठीक है, इसमें आपको बताने हैं कितने ट्रायंगल होंगे। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जैसे 1 2 3 4 यानी कि 4 का डबल कर दोगे तो 8 ट्रायंगल तो आपको अंदर नजर आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 और 4, तो 4 ट्रायंगल आपके बाहर होंगे और 8 ट्रायंगल हो गए आपके बाहर, तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए आपके, टोटल ट्रायंगल हो गए आपके 8 और 4 12 ट्रायंगल हो गए आपके। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। काफी सिंपल क्वेश्चन था, आप आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बताइएगा कितने ट्रायंगल है। बताइएगा कैसे पता करोगे, देखो बड़ा सिंपल है, 1 2 3 4 4 ट्रायंगल तो आपके, 4 का डबल कर दोगे तो 8 ट्रायंगल तो आपको बाहर वाले में दिख जाएंगे और 4 1 2 3 4, तो 4 का डबल 8, 8 अंदर और 8 दिख जाएंगे आपको बाहर, तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए आपके, टोटल हो गए आपके 16 ट्रायंगल। कितने हो गए जी, टोटल आपके हो गए 16 ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसके अंदर आपको बताना है कितने आपके रेक्टेंगल होंगे, कितने अंदर इसके आयत होंगे, ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखो ध्यान से, फिर इस तरीके के क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा आपको ऐसे ही, और उसका लॉजिक भी कराऊंगा उसका आपको। इसके अंदर बताने हैं आपको कितने आयत होंगे। ठीक है, तो चलिएगा आज वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल फिर इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।